ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को 32 स्क्वायर को फाइंड करना है। तो हम लोग नॉर्मली 32 × 32 करके भी निकाल सकते हैं, और चाहो तो आप लोग इस मेथड से भी निकाल। देखो यहाँ पास कोई मेथड का नाम तो लिया नहीं है, तो आप लोग चाहो तो 32 × 32 करके निकाल लोगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप लोग जल्दी करना चाहते हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे 32 है तो आप लोग का नियरेस्ट 30+2 कर सकते हो, है ना। 30+2 कर सकते हो ना यहाँ पास। तो हम लोग यहाँ लिख दिया 30+2 स्क्वायर लगा दिया, 30+2 32 होगा। अब इसमें से हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, एक बार 30 को बाहर ले लेंगे, एक बार 2 को। तो 30 को बाहर लिया 30+2, 2 को बाहर लिया 30+2। देखो 30+2 यहाँ भी है, 30+2 यहाँ भी है, बस यहाँ 30 और प्लस 2 का बस हेर फेर है। ठीक है, अब देखो 30 को इससे मल्टीप्लाई किया 30 स्क्वायर, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 × 2, प्लस का प्लस 30 × 2 2 × 2, बस मल्टीप्लाई किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। 30 स्क्वायर 900, 30 × 2 60, 30 × 2 60, 2 स्क्वायर 4 हो गया। अब इन दोनों को सम कर दिया तो 1024 आया। सेम ऐसे ही देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30+5, लिख सकते हैं ऐसे 30+5। अब हम लोग इसमें ऐसे करेंगे, 30 लिख देंगे यहाँ पास, 30+5 जल्दी जल्दी आप लोगों का बन जाएगा। अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। तो देखो 30+5 30+5 के, अब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 30 × 5। अब इस साइड आ जाते हैं 30 × 5, यानी कि 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 30 स्क्वायर 900 होता है, और 35 × 150, 5 × 30 × 150, 5 × 5 × 25। इन सब को जब हम लोग सम करेंगे तो हम लोग आंसर कितना आएगा, 100 ये 150 50 हो जाएगा, 0 5 + 5 10, 0 हो गया, फिर कैरी गया तो आप लोगों का 300 कितना आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। आप लोग चाहो तो 35 × 35 भी कर सकते हो, लेकिन इस मेथड को यूज करना, ठीक है। तो आप लोगों का एक न्यू मेथड आप लोगों का इन्वेंट भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो सबको आता है, इसको यूज करो तो आप लोगों का आगे भी काम आएगा, है ना। अब देखो 86 वाला है, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 80+6 का स्क्वायर कर दिए, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 80, फिर यहाँ 80+6, फिर +6 80+6, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 को 80 से, तो 80 स्क्वायर, फिर 80 × 6 कर दिए, फिर वैसे इसको 6 × 80, फिर +6 स्क्वायर, तो 80 × 80 8 × 8 = 6400 हो जाएगा, फिर 80 × 6 = 0, 6 × 8 = 48, ये भी उतना ही आएगा 480, और 6 × 6 = 36, इसको बस सम कर देंगे आंसर आ जाएगा, बस प्लस करना है। वैसे ही 90+3 कर देंगे इसको, 90+3, फिर ऐसे करेंगे 90 90+3, फिर +3 90+3, बस इतना ही कर रहे हैं, देख लो कुछ नहीं कर रहे हैं। 90+3 90+3 लिखे हैं, एक बार 90, फिर प्लस, फिर 3, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +++ 90 × 3, फिर इसमें भी वैसे कर देंगे 3 × 90, फिर इधर भी ++ 3 × 3 = 9, 3 स्क्वायर लिख देते हैं, 90 × 90 = 99 = 8100 हो जाएगा, फिर 93 × 270, ये भी 270 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, सबको सम कर देंगे आंसर आ जाएगा। फिर 71 का भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 70+1 का स्क्वायर, ये वाला आप लोग बना सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। ये वाला को भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे यहाँ पास देखो, 40+6 का स्क्वायर, सेम ऐसे ही बना देना, ठीक है। बनाना नहीं आएगा समझ में तो कमेंट करना, मैं बना के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब आप लोगों को 6.3 बताऊंगी तो मैं इसको भी बता दूंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट वेयर वन नंबर इज गिवन। नंबर वन नंबर हम लोग को दिया हुआ है कि 6 से, अब हम लोग को ट्रिपलेट बनाना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7th में भी, हाइपोटेनस होता है एक, ये वाला हाइपोटेनस, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस पढ़ चुके हैं, तो उसमें से एक वैल्यू दिया है, दो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को पाइथागोरन ट्रिपलेट का अगर एक वैल्यू दिया है और दो वैल्यू फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट वैल्यू मान लो कोई सा भी दिया है, दो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद करना है, 2m m² - 1 m² + 1। तो 2m का वैल्यू 6 दिया है, यहां से हम लोग m निकाल लिए, m यही है, 6 यही है, 2 को ट्रांसफर किए, m का वैल्यू 3 मिल गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख दिया m² - 1 में, m का वैल्यू 3 मिल गया है, तो 3² - 1 9 - 1 हो जाएगा ना, 3 × 3 = 9 8 आया। तो सेकंड वैल्यू हम लोग का, फर्स्ट वैल्यू 6 था, सेकंड वैल्यू 8 मिल गया, थर्ड वैल्यू देखो m² + 1 3² तो m का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3 × 3 = 9 + 1 10 हो गया, तो ट्रिपलेट बन गया। वैसे हम लोग इसको भी कर सकते हैं, यहां सबसे पहले हम लोग को 2m
एम स्क्वायर माइनस वन, उसके बाद एम स्क्वायर प्लस वन। तो सबसे पहले 2m में से m फाइंड करेंगे, तो 2m इज इक्वल टू, ये 14 दिया हुआ है उसी को रख देंगे, m यही है, 14 भी अपने प्लेस में है, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा, m का वैल्यू कितना आया 7। अब m के प्लेस में 7 रख दिए, माइनस वन, 7 जा 49 माइनस वन कितना होगा 48। तो 48 आ गया एक सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्या है उसको भी देख लेते हैं, यहाँ m का वैल्यू 7 रख दिए प्लस वन, 7 जा 49 प्लस वन कितना होगा 50, तो यहाँ आ गया 50। सेम ऐसे इसको भी कर देंगे 2m, फिर m स्क्वायर माइनस वन, m स्क्वायर प्लस वन। तो पहले तो 2m इजिकल टू 16 करेंगे, m इजिकल टू 16 अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा 8 आ गया। अब यहाँ 8 रख दिए, m का वैल्यू निकाल लिए हैं, 8 जा 64 माइनस वन कितना हो जाएगा 63। तो एक तो 16 था, दूसरा कितना आया 63। अब तीसरा निकाल लेते हैं, तो m का वैल्यू कितना है 8 है, 8 रख दिए प्लस वन, 8 जा 64 प्लस वन कितना होगा 65। तो ट्रिपलेट बन गया हमारा 16 63 65। अब 18 के लिए भी 2m m स्क्वायर प्लस वन, m स्क्वायर माइनस वन, m स्क्वायर प्लस वन। तो 2m इक्वल 18 कर देंगे जो दिया रहता है, m का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 29 जा 18 m का वैल्यू मिल गया। अब 9 रख देंगे प्लस वन, 99 जा 81 माइनस है सॉरी, तो माइनस करेंगे तो 80 आया, सेकंड नंबर 80 आया। थर्ड नंबर भी हम निकाल लेते हैं, 9 है ना m का वैल्यू, तो यहाँ पास रख देंगे 99 जो 81 प्लस 1 कितना होगा 82 होगा। तो क्या क्या बना हमारा, फर्स्ट 9 फिर 80 फिर 81, ठीक है। तो हमारा 6.2 कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना।